उमरिया में बीमार आदिवासी महिला की फुटपाथ पर हुई मौत। वही स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मृतक आदिवासी महिला का नाम प्रेमा बाई था। वह अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के जीवन यापन के लिए शहर के मोहल्ले में कबाड़ बीनने का काम करती। वही घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली TI विपिन सिंह और उनकी पुलिस टीम मौके पर पहुँच कर घटना का जायजा लेते हुए PM पंचनामा कार्रवाई कर शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। गौरतलब है कि मृतक आदिवासी के पति की हाल ही में 2 माह पहले मौत हो गई थी और अब आदिवासी महिला की मौत, जिससे उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो गई। वहीं कलेक्टर के निर्देशन पर महिला सशक्तिकरण विभाग की जिला अधिकारी दिव्या गुप्ता और बाल कल्याण समिति द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृतिका की तीनों बेटियों को सुरक्षा की दृष्टि से आश्रय गृह, पुलिस और महिला सशक्तिकरण की मौजूदगी में उन्हें रवाना किया। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। ज्वालामुखी कॉलोनी में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में तस्दीक करने हेतु हमरा बल्कि मैं यहाँ पे मौके पे पहुँची हूँ। तो देखा गया, ये महिला के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी शराब पीती थी और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसके कारण से शायद मृत्यु हो गई है। तस्दीक की जा रही है और महिला के कफन दफन के लिए व्यवस्था की जा रही है। उसके बच्चों को चाइल्ड केयर में रखने के लिए महिला सशक्तिकरण अधिकारी से बात की गई। 50 के आसपास की उम्र थी, 40 से 50 के बीच में उम्रत अवस्था में ज्वालामुखी कॉलोनी में पड़ी है और उसके साथ 3 बच्चियां जो उसके आसपास थीं, चूँकि उम्रत हो चुकी थी और बच्चियों के आनंद पालन पोषण के लिए कोई नहीं दिख रहा था, तो जब ऐसी सूचना मिली तो हम लोगों ने आनंद फानंद में तुरंत समिति के साथ मौके पर पहुँचे। हम लोगों ने आसपास से पूछा कि ये महिला है कहाँ की, तो उन्होंने बताया कि ये पन्नी उन्नी बीनने का काम करती है और इसके कोई गार्जियन है नहीं, ये इकलौती है और इसके 3 बच्चे हैं। अब चूँकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, अंडर एज हैं और उनको पालने में दिक्कत होती, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, आदम खान लोगों ने बैठक की और इन बच्चियों को आज समिति के माध्यम से हम अपने हैंडओवर लेके इनका मेडिकल करा के पूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद हम इनको आश्रय गृह कटनी। करीब 9 बजे में घर से निकला, यहाँ देखा ये महिला एक बच्ची के साथ यहाँ पर लेटी हुई थी। 2-4 लोग और आए, बोले कि ये जो है लगता है ठंड से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं संजय भाई को बताया, इन्होंने